प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके गांव वडनगर में हुआ भव्य स्वागत। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्कूल में जाकर मिट्टी से किया तिलक। वडनगर में अपने रोड शो के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्कूल पर जाकर स्कूल की मिट्टी से तिलक किया और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हाटकेश्वर मंदिर, जहां पर उन्होंने भगवान शिव की महाआरती की और पूजा की। बाद में मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। वडनगर के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शहर पिछले 2500 सालों से जीवित है, इसे पर्यटन का बड़ा क्षेत्र बनाया जा सकता है। वडनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर से कहा कि जहर पीने की शक्ति उनको भगवान शिव से मिली है और वो ये काम 2001 से करते आ रहे हैं। वडनगर से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन। केरल में हो रही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में शुरू की जन रक्षा यात्रा। इससे पहले अमित शाह ने केरला में इस यात्रा की शुरुआत की थी। केरल में चल रही राजनीतिक हिंसा के खिलाफ बीजेपी की जन रक्षा यात्रा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक बार फिर केरल की सीपीएम सरकार पर हमला बोला। जन रक्षा यात्रा दिल्ली के कनॉट प्लेस से सीपीएम हेडक्वार्टर तक पहुंची। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और विजयन सरकार खामोश है। अमित शाह ने कहा, मैं सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि तब वे कहां चले गए थे जब बीजेपी के 12 कार्यकर्ताओं की जगन हत्या कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी की जन रक्षा यात्रा सीपीएम हेडक्वार्टर भी पहुंच गई। सीपीएम हेडक्वार्टर से बीजेपी के नेताओं ने सीपीएम के नेताओं को ललकारते हुए कहा कि अब लाल आतंकवाद नहीं चलेगा। लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि बीजेपी अपनी जमीन मजबूत कर रही है। ब्यूरो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। भारतीय वायुसेना ने अपने 50वें स्थापना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ऐसे हैरतअंगेज कारनामे दिखाए कि लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए। इस बार के वायुसेना दिवस में आकर्षण का केंद्र रहा भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान, जो कि पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से बना है और सुखोई के बाद सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन में से एक है। इस बार के वायुसेना दिवस के मौके पर एयर चीफ ने ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना बहुत ही कम समय में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखती है। वायुसेना दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना के प्रमुख वीएस धनोआ ने कहा कि मैं वायुसेना के योद्धाओं की तरफ से राष्ट्र को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आसमान में हमारी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए वायुसेना पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है। परिस्थितियां कैसी भी हों, सामने दुश्मन कोई भी हो, भारतीय वायुसेना हर वक्त हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ रविकांत राय, गाजियाबाद, हिंडन एयरबेस। पंजाब में फिरोजपुर फजिलका रेलवे ट्रैक के मानव रहित फाटक पर टैंकर से टकराई ट्रेन, चालक की मौत। ये घटना आज सुबह 10:15 पर हुई है। इस रेल हादसे में ट्रेन चालक विकास केपी की मौत हो गई है। हादसा इतना भयानक था कि रेलगाड़ी का इंजन भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार चक सुखेरा के मानव रहित रेलवे फाटक से एक बजरी वाला टैंकर गुजर रहा था। इसी दौरान फिरोजपुर से फजिलका की तरफ को आ रही लोकल डीएमयू रेलगाड़ी को देखकर टैंकर चालक अचानक से घबरा गया। उसने जल्दबाजी में फाटक क्रॉस करने की कोशिश की, पर टैंकर का पिछला हिस्सा रेलगाड़ी के साथ टकरा गया और रेल इंजन के परखच्चे उड़ गए। मानव रहित फाटक पर इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं, जिस पर रेलवे को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से अब तक कई जाने जा चुकी हैं। वीडियो जनता अतुलात के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन। डेरा प्रमुख के निजी सहायक राकेश से पूछताछ में होंगे नए खुलासे। शनिवार को 3 दिन का रिमांड बढ़ाए जाने के बाद आज उन्हें पंचकूला के पुलिस थाना ले जाया गया। डेरा प्रमुख के निजी सहायक राकेश को 10 दिन के रिमांड के बाद शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने राकेश का रिमांड 3 दिन बढ़ा दिया। इसी सिलसिले के चलते निजी सहायक राकेश को आज पुलिस पंचकुला के 23 सेक्टर पुलिस थाने लेकर आई। इस दौरान उससे 25 अगस्त को पंचकुला हिंसा में शामिल डेरे की नजदीकियों के बारे में अहम जानकारियां हासिल की जाएंगी। राकेश दंगे के बाद हनीप्रीत और आदित्य इंसान के संपर्क में भी था, लिहाजा माना जा रहा है कि उससे होने वाली पूछताछ में पुलिस को अहम जानकारियां मिलेगी। पुलिस रिमांड के दौरान हनीप्रीत और राकेश को आमने सामने बिठा सकती है, ताकि दोनों के बयानों के माध्यम से पुलिस किसी निष्कर्ष तक पहुंच सके। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़।
बिल्डर से फिरौती मांगने के आरोप में रवि पुजारी गिरोह के दो शार्प शूटर गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों बदमाशों के नाम नितिन राय और दिनेश राय बताए जा रहे हैं। इस मामले में थाने के बिल्डर से 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन जब बिल्डर ने देने से इनकार कर दिया तो उसे डराने के मकसद से इन दो शार्प शूटर्स को भेजा गया था। उनके पूछताछ के बाद ये मालूम पड़ा कि उनको रवि पुजारी ने भेजा था। उनके पास जो मोबाइल मिले हैं वो डायरेक्ट रवि पुजारी से कॉन्टेक्ट में थे, ये हमको इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ रहा है। इन दोनों के पास से पुलिस ने 2 पिस्तौल और 4 कारतूस भी बरामद किया है। ये गिरफ्तारी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने की है, जिन्होंने अभी अभी एंटी एक्सटॉर्शन सेल का जिम्मा संभाला है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। 3 दिन बाद भी मुंबई के पास के एक ऑयल टर्मिनल पर लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मुंबई के पूर्वी तट पर है बूचर आइलैंड, जहां स्थित मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के एक ईंधन टैंक फार्म में लगी आग को बुझाने के प्रयास अभी भी जारी है। घटना शुक्रवार शाम 5 बजे की है, जहां टैंकर पर बिजली गिरने से आग लग गई। अग्निशमन अधिकारियों की माने तो ईंधन टैंक फार्म में लगी आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन अत्यधिक गर्मी के कारण टैंक में शनिवार सुबह 4:30 बजे एक बार फिर आग लग गई। इस आग की लपटें इतनी तेज थी कि इन्हें 8 किलोमीटर दूर गेटवे ऑफ इंडिया से भी देखा जा सकता था। फिलहाल फायर ब्रिगेड की एक बड़ी टीम इस आग पर पूरी तरह से काबू पाने में लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। हैदराबाद में लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। लगातार बारिश होने के कारण पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया और सड़क में घुटनों तक पानी में गाड़ियां तैरती हुई नजर आई। सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आमतौर में 7 से 9 सेंटीमीटर बारिश हैदराबाद में होती है। इस साल 13 सेंटीमीटर बारिश होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। बारिश की वजह से अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि लोगों की समस्या का समाधान करें और राहत कार्य तुरंत करें। वीडियो जर्नलिस्ट पारसाथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज नेशन। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को एक और लगा करारा झटका, बलूची करेंगे भारत के पक्ष में वोट। गिलगित बलूचिस्तान में बलूचियों के साथ हो रही जास्ती से ब्रुसेल्स बेल्जियम के लोगों ने खासी नाराजगी जाहिर की है और प्रदर्शन किया है। BNF के चेयरमैन अब्दुल हामिद खान के मुताबिक गिलगित और बलूचिस्तान के लोग भारत के पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तानी तानाशाही रवैये से खासे नाराज हैं। अब्दुल हामिद खान के मुताबिक बलूचियों की जिंदगी 72,000 स्क्वायर किलोमीटर में एक कैदी की तरह हो गई है और अपने 69 साल के अनुभव के मुताबिक बलूची कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। गौरतलब है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से भी बलूचियों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन। करवा चौथ का महापर्व आज, चांद का दीदार कर महिलाएं खोलेंगे अपना व्रत। आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से करवा चौथ के महापर्व को मनाया जा रहा है। हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए निराजल व्रत रख कर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। 16 श्रृंगार करके चंद्रमा की पूजा करती हैं और चांद को छन्नी में देखने के बाद पति का दर्शन करती हैं। कहते हैं इस तिथि का सीधा संबंध अपयश से है। इस दिन चंद्र दर्शन से अपयश और कलंक लग सकता है, इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन को निषेध कहा गया है। तो ऐसे में गणेश जी की उपासना करके ही चंद्रमा को नीची निगाह से अर्घ्य दें तो अपयश का दोष पूरी तरह से भंग हो जाता है, इसलिए महिलाएं चंद्रमा को छन्नी या परछाई में देखती हैं। पति पत्नी के प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाने वाला करवा चौथ हर साल हमारे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली।